मैं तो कई बार चैलेंज कर सकता हूँ। टकैत जी आओ बहस कर लेते हैं, मैं हार जाऊं आपकी बहस से सदाए मौत, आप हार जाओ कभी दोबारा आंदोलन मत करना। आओ बहस करते, 370 धारा पे करते, तिरंगे झंडे के ऊपर करते, आ जाओ। आप कहां तिरंगे झंडे के लिए कहां खड़े हुए? आपने तिरंगे झंडे को रुलाया, तिरंगे झंडे ने आपको रुलाया, और फिर तिरंगा झंडा आपको रुलाएगा, याद रखना। ये तिरंगा झंडा शहीदी आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के फांसी के फंदे को चूमने के बाद जब कहा था वंदे मातरम, रस्ता खिंच जाता है, उस तिरंगे झंडे का अपमान आपने करा दिया, हमारी कौम को बदनाम कर दिया, भड़काऊ भाषण आपने दिए, हमारी कौम बदनाम कर दी। अब जब सिख हमारी बेटियों के साथ जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ, एक भी जवान डकैत की खुली मैंने नहीं देखी। हाँ, रशिया का ट्रैक्टर फोटो खिंचाते जरूर देखा। अरे तेरा रशिया का ट्रैक्टर क्या दिल्ली को उजाड़ देगा? ऐसे डकैत जैसे बहुरूपिये जिनका मकसद सिर्फ इलेक्शन लड़ना है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता लेना है, और जो कई पॉलिटिकल पार्टियों की टिकटों से जमानत जब्त करा चुके, वो भी एमएलए की, और आज पंजाब के किसानों ने, भोले भाले किसानों ने उसको दुनिया का किसान नेता बना दिया। तू हमारे जवानों की शहादतों का अपमान करता है? तू चाहता है कि हमारे रोज जवान शहीद हों? तू चाहता है कि रोज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों कैसे बना तिरंगा झंडा जो तेरी गलतियों से अपमानित हुआ लाल किला के अंदर? तू चाहता है डकैत कि कश्मीर के अंदर फिर तिरंगे झंडे का, उस भारत माता का अपमान हो? तू चाहता है कि तिरंगे झंडे वहां से हट जाए, फिर जम्मू कश्मीर का तिरंगा झंडा लहराया जाए? इससे तेरी सोच पता चलती है कि तेरी सोच के पीछे विदेशी शक्तियां हैं, तेरी सोच किसान आंदोलन है ही नहीं, तेरी सोच पंजाब के आंदोलन को, किसान आंदोलन को हाईजैक करके एक इलेक्शन लड़ना और एक सरकार बनाने की तेरी सोच है। ये तेरी सोच पता चल गई? टकैत पॉलिटिक्स कर गया पंजाब के किसानों के साथ, ये है टकैत की मनसा, ये है इच्छा कि गंदी पॉलिटिक्स करनी। ये तो किसानों की बात ही नहीं करता, ये तो राजनीति करता है। और आप देख लेना, और साल के बाद चुनाव आने वाला है, लोगों को इसकी असलियत पता चल जाएगी, ये किसान नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स करता था पंजाब के भोले भाले किसानों के नाम के ऊपर। अब यूपी में चुनाव आने वाला है और पंजाब के भोले भाले किसानों के ऊपर राजनीति करके अब ये राजनीति करना चाहता है। अपना आंदोलन अलग ले गया गाजीपुर और उनको अकेला छोड़ दिया। आंदोलन एक होता है, आंदोलन चार नहीं होते। जब आंदोलन बढ़ जाते हैं आंदोलन कमजोर पड़ जाते हैं। ओबीसी को आप ओबीसी कहते हैं, मैं उसको एबीसी कहता हूं, है ना? ये बयान दिया था उन्होंने, जहां भी जाते हैं जमानत जब्त हो जाती है, एक भी सीट नहीं आती। नाम ओबीसी एबीसी है, सीट एक भी नहीं आती। कर लो भाई, कर लो उनसे समझौता। तो इसका मतलब जो टकैत साहब पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर पॉलिटिक्स, उनके अंदर राजनीति, उनके अंदर सत्ता कुर्सी की दौड़ है। पंजाब के राज्यपाल साहब क्यों नहीं बात करते? ये हमारे जब सिख बेटियों के साथ अत्याचार हुआ तो ये भाग गया, ये जवाब ही नहीं दिया, एक भी इसकी स्टेटमेंट नहीं आई। तो कौन से किसानों के आंदोलन का हितैषी है? इसके पिताजी थे जिनका नाम था बाबा टकैत, आज उनके आगे हम भी नमस्तक करते हैं। वो एक आंदोलनकारी थे, वो क्रांतिकारी थे, ये उनके नाम का खा रहा है। टकैत भाई साहब, जिस तरीके से मैंने पहले भी सवाल किया सिखों के, या सिखों के, नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी और मैं हूँ आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कश्मीर में जब 4 सिख लड़कियों के साथ धर्मांतरण का मामला उठा, तब ये सवाल भी उठा कि राकेश टकैत, जो राकेश टकैत खुद को किसान नेता मानते हैं, जो राकेश टकैत बंगाल में चुनाव में रैली में जाकर ये कहते हैं कि मैं सिखों का हितैषी हूँ, मैं उनके हक के बारे में बात करता हूँ, जो राकेश टकैत ये कहते हैं कि कश्मीर में 370 से किसानों को खतरा है, कश्मीर में 370 से सिखों को खतरा है, जब बात उस कौम की लड़कियों को बचाने की आती है, जब बात उस धर्म की लड़कियों को बचाने की आती है, तो वो पीछे क्यों हट जाते हैं, वो क्यों चुप हो जाती है? सवाल ये भी, क्या राकेश टकैत आखिर चाहते क्या है? क्या वो आंदोलन करना चाहते हैं, अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, या सिर्फ एक राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो शायद परिचय की मोहताज हुई, एक ऐसी शख्सियत जिनको देखकर सर गर्व से उठ जाता है, या फिर यूं कहे कि जिंदा शहीद एमएस बिट्टा जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर जिस तरीके से देखा गया कश्मीर की बात करें, सालों से सिखों के साथ ऐसे अत्याचार भी होते आए हैं,
कश्मीर में अभी कुछ दिन पहले 4 सिख लड़कियों का धर्मांतरण का मामला भी सामने आया, लेकिन राकेश तकैर जो खुद को ये कहते हैं, चुनाव में जाकर बंगाल चुनाव में उन्होंने ये कहा था कि मैं सिखों का हितैषी हूँ, मैं उनके हक की बात करता हूँ, वो आज अचानक चुप्पी क्यों साध ले रहे हैं? क्या मसला है ये? क्या सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और हमें भी आपके सवाल पूछने से बड़ा कुछ मिला। पहली बात तो मैं स्पष्ट कह दूं शिकायत को, सिख समाज वो कुर्बानियों के इतिहास का समाज, वो गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उनके छोटे साहबजादे जिनको नियों में चिनवा दिया गया, वो समाज किसी का मुथाज नहीं है। वो मुथाज वो समाज मकफन बांध करके सीमाओं की भी रक्षा करता है। गुरतेज सिंह बठिंडा का वो पंजाब का जिसने वो निकाल करके गुरु महाराज की फिरी और कहा था बोले सोनियाल सत श्रीकाल, फिर शहादत का जाम पिया था। सिख समाज टकैत साहब किसी का मुथाज नहीं है जिनकी आप वकालत करते हो। आज वकालत आप किसानों की करते हो? आंदोलन किसने शुरू किया था? पंजाब के भोले भाले किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। आप राजनीति करने के लिए, जैसे हम लोग किसी की स्टेज सजी होती है वहां पे बैठ करके हम फोटो खिंचा जाते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, हम पॉलिटिशियन कैसे होते हैं? सजी सजाई स्टेज उन भोले भाले किसानों की, आप मंच पे आकर के बैठ करके पीला रुमाला बांध करके वहां राजनीति करनी शुरू कर दी। आपने नारा दे दिया लाठियां लेके आना, मांगे पूरी होंगी, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ। तिरंगा झंडा कोई मेरा नहीं, कोई आपका नहीं, हिंदू का नहीं, मुसलमान का नहीं, सिख का नहीं, ईसाई का नहीं, ये तिरंगा झंडा हमारे शहीदों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सजा हुआ। जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर की गोलियां सीने पे खा करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने सीने में खा, ये तिरंगा झंडा बना गया। ये तिरंगा झंडा शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के फांसी के फंदे को चूमने के बाद जब कहा था बंदे मातरम रस्ता खिंच जाता है, उस तिरंगे झंडे का अपमान आपने करा दिया, हमारी कौम को बदनाम कर दिया, भड़काऊ भाषण आपने दिए, हमारी कौम बदनाम कर दी। अब जब सिख हमारी बेटियों के साथ जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ, एक भी जवान तकैद की खुली मैंने नहीं देखी। हाँ, रशिया का ट्रैक्टर फोटो खिंचाते जरूर देखा। अरे तेरा रशिया का ट्रैक्टर क्या दिल्ली को उजाड़ देगा? हाँ, दौड़ लगाते हुए जरूर देखा। आज तो टकैत की वो हालत होगी, इसकी फोटो आती हो ना कहीं, इसको गंद में कूड़े दान में खड़ा कर दो, ये फोटो खिंचा लेगा। ये राजनीति करता आया है, ये इसकी इलेक्शन में कांग्रेस की टिकट से आरजेडी से इसकी जमानत जब्त हुई थी। कभी पंजाब पंचायत के इलेक्शन में वहां से ये हार गए, इनके लोग हार गए वहां से। अब यूपी में चुनाव आने वाला है और पंजाब के बोले बाले किसानों के ऊपर राजनीति करके अब ये राजनीति करना चाहता है। अपना आंदोलन अलग ले गया गाजीपुर और उनको अकेला छोड़ दिया। आंदोलन एक होता है, आंदोलन चार नहीं होते। जब आंदोलन बट जाते हैं आंदोलन कमजोर पड़ जाते हैं। इस आदमी ने अपना आंदोलन वहां जाके शुरू कर दिया। इसकी मंशा, इसकी इच्छा अंदर से पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, वोट सत्ता कुर्सी और कुछ नहीं है। ये हमारे जब सिख बेटियों के साथ अत्याचार हुआ तो ये भाग गया, ये जवाब ही नहीं दिया, एक भी इसकी स्टेटमेंट नहीं आई। तो कौन से किसानों के आंदोलन का हितैषी है? इसके पिताजी थे जिनका नाम था बाबा टकैत, आज उनके आगे हम भी नमस्तक करते हैं। वो एक आंदोलनकारी थे, वो क्रांतिकारी थे, ये उनके नाम का खारा है। आज पंजाब के भोले भाले किसानों के नाम का खारा है, कहां आज राजेवाल साहब का नाम? एक लीडर था पंजाब का, ना चुनाव लड़े ना किसी और लफड़े में पड़े, उसका नाम था राजेवाल, जो किसान आंदोलन का असली हीरो असली लीडर था, जो मांगे लेके आया था, जिनके साथ सरकार बातचीत करना चाहती थी। जिसके साथ बातचीत हुई तो वो पंजाब के किसानों के साथ ही बात हुई थी, वो राजेवाल साहब की कमेटी के साथ ही सरकार बात करती थी। आज राजेवाल साहब को पीछे छोड़ दिया और टकैत पॉलिटिक्स कर गया पंजाब के किसानों के साथ। ये है टकैत की
मनसा ये है इच्छा कि गंदी पॉलिटिक्स कर रही है। ये तो किसानों की बात ही नहीं करता, ये तो राजनीति करता है। और आप देख लेना, और साल के बाद चुनाव आने वाला है, लोगों को इसकी असलियत पता चल जाएगी। ये किसान नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स करता था पंजाब के भोले भाले किसानों के नाम के ऊपर। सर टिकैत भाई साहब की बात की जाए तो उनका ये बयान भी सामने आया था, उन्होंने कहा था कि कश्मीर में 370 से किसानों को खतरा है, 370 से सिखों को खतरा है। ये तो महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से पाकिस्तान राब अलापती रहती हैं, ये तो उसी रास्ते पे निकल पड़े हैं। सर बात आ गई आपके सामने, बड़े अच्छे सवाल आप पूछ रहे हैं, बहुत मजा आया कि किसान आंदोलन तो किसान की बात कर, तू 370 धारा में तू कहां फंसाया? तू हमारे जवानों की शहादतों का अपमान करता है, तू चाहता है कि हमारे रोज जवान शहीद हों, तू चाहता है कि रोज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के बना तिरंगा झंडा जो तेरी गलतियों से अपमानित हुआ लाल किला के अंदर, तू चाहता है तकायत कि कश्मीर के अंदर फिर तिरंगे झंडे का उस भारत माता का अपमान हो, तू चाहता है कि तिरंगे झंडे वहां से हट जाए फिर जम्मू कश्मीर का तिरंगा झंडा लहराया जाए। इससे तेरी सोच पता चलती है कि तेरी सोच के पीछे विदेशी शक्तियां हैं, तेरी सोच किसान आंदोलन है ही नहीं, तेरी सोच पंजाब के आंदोलन को किसान आंदोलन को हाईजैक करके एक इलेक्शन लड़ना और एक सरकार बनाने की तेरी सोच है, ये तेरी सोच पता चल गई। तेरा काम क्या है कश्मीर में? तेरा काम था उन सिख बहू बेटियों को जिनको अगवा किया गया उनके लिए जाके जाता कश्मीर के अंदर, कहता मैं ट्रैक्टर लेके जा रहा हूं कश्मीर के अंदर उन अपनी बेटियों के लिए, वहां के उन देशद्रोहियों को, वो लोग हमारे जवानों पे जो हमला करते हैं, वो लोग हमारे तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, वो लोग जिन्होंने हमारे 25-30 के करीब कुछ साल पहले सिखों को लाइन में कड़ा करके गोलियों से शहीद कर दिया था, मैं ट्रैक्टर मोड़ रहा हूं उधर। कहा किस रास्ते पे जाता जाता 370 आ जा, मैं तो कई बार चैलेंज कर सकता हूँ, टकैत जी आओ बहस कर लेते हैं, मैं हार जाऊं आपकी बहस से सदाए मौत, आप हार जाओ कभी दोबारा आंदोलन मत करना, आओ बहस करते 370 धारा पे करते, तिरंगे झंडे के ऊपर करते, आ जाओ। आप कहा तिरंगे झंडे के लिए कहाँ खड़े हुए? आपने तिरंगे झंडे को रुलाया, तिरंगे झंडे ने आपको रुलाया और फिर तिरंगा झंडा आपको रुलाएगा, याद रखना। आपने पंजाब के उन भोले भाले किसानों की पीठ पे छुरा मारा, आप अपना आंदोलन लेके गाजीपुर बैठ गए, ये बैठता एयर कंडीशन में और किसान काहे का ये एयर कंडीशन में बैठ के सोया, कई मेरे पास इसकी फोटो आई है। सर अब तो ये यूपी में भी उतर रहे हैं, इनका ट्रैक्टर जो है यूपी में भी मुड़ा है, इनका बयान भी आया था कि यूपी में योगी का सुपड़ा साफ होगा, असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ मिलकर ये कहीं ना कहीं पार्टी बनाने की भी बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मतलब ये दोगली राजनीति कर रहे हैं। सर एक बात सुनो, जो आंदोलनकारी राजनीति में घुस जाता है वो आंदोलनकारी कभी नहीं रहता, वो सोच से चलता है। अब आप दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल था आंदोलनकारी था, रामलीला ग्राउंड के अंदर तिरंगा झंडा लेके किरण बेदी, अन्ना हजारे, बड़े बड़े और लीडर, हम भी घर में बैठे उस आंदोलन में थे, साथ नहीं थे पर घर बैठे आंदोलन के साथ थे, क्योंकि आंदोलन का नाम था भारत को नई आजादी मिलेगी, नया महात्मा गांधी, नया भगत सिंह इस भारत के अंदर आएगा जो हमारी सीमाओं की रक्षा करेगा, जो करप्शन को खत्म करेगा, जो देश का विकास करेगा। क्या हुआ? आंदोलन खत्म, जूस पी लिया, आंदोलन खत्म, कुर्सी छता संभाल ली। अब वही लोग समाजवादी से बातचीत कर रहे हैं, वही लोग ऑल पॉलिटिकल पार्टी, करप्ट पार्टियां, करप्ट जिनके ऊपर करोड़ों के खपले हैं, उनसे मीटिंगें दिल्ली में कर रही है पार्टी के अंदर सारी, तो फिर काहे का आंदोलन? भाई आंदोलन वो था रामलीला ग्राउंड, हम उस आंदोलन के साथ थे, तिरंगा झंडा पकड़ा, बंदे मातरम रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो अगर हम उसी रास्ते पे चल के उन्हीं राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के जिनके ऊपर घोटाले गपले को महाराष्ट्र के अंदर कहीं और, जिनके ऊपर इतने घटिया इल्जाम है, जिन्होंने अरबों खरबों रुपया भारत माता का नोच नोच के खाया है, उन्हीं के साथ ही हम मीटिंग कर रहे हैं ऑन पार्टी मीटिंग पे। अभी पवार साहब के घर में मीटिंग हुई, तो क्यों गए भैया आप, क्यों गए? कौन से ऐसे लोग थे जिन पे दाग नहीं है भाई? मेरा सवाल है बहुत बड़ा, आंदोलनकारी आंदोलनकारी रहता है, जो आंदोलनकारी अपने रास्ते से पटक करके राजनीति में आ जाता है फिर वो राष्ट्रनीति नहीं होती, फिर वो राजनीति ने वो राष्ट्रनीति ने फिर वो होती है राजनीति, धोखा देना। हम कहते हैं ना किसी को, अरे मेरे साथ पॉलिटिक्स मत करना, मेरे साथ राजनीति मत करना, कहते हैं ना,
राजनीतिक लोग ही राजनीति, पर हम ये नहीं समझ पाते किसका मतलब क्या। राजनीति मत मेरे साथ करना, मतलब मेरे साथ धोखा मत करना, ये हमारी पॉलिटिशियन की पहचान है। पॉलिटिशियन भी मेरे साथ पॉलिटिक्स मत करना, ये हमारी पहचान है, ठीक है। लोगों को बेवकूफ बनाओ, सब आंदोलन करो, बेवकूफ बनाओ, लोग भावुक हो जाए टकैती, और उसके बाद जब देखो कि इलेक्शन आने वाला है, मूवमेंट को तेज कर दो, ट्रैक्टर रैली को आप लखनऊ की तरफ चला दो, गरीब बोले वाले किसानों को, सीधे किसान क्या है, सीधा साधा है, किसान भगवान का रूप होता है, गरीब आदमी कोई भी हो वो भगवान का रूप ही होता है, जैसे चलाओ चल जाते। मैंने भी जिंदगी में बड़ी रैली की, लाखों की रैली लाल किला की, लाखों की रैली मैंने ममता के साथ बंगाल में की, आगे 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 रैली आ गई, रैली आ गई, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे किया, ऐसे चले गए, ऐसे कहाँ आए हो भाई, किस लिए आए हो भाई, हमें नहीं पता जी, तो फिर क्या मतलब हुआ। तो हम लोगों को इस्तेमाल करना बंद करें, जो सच्चाई है सच्चाई को अलग रखें, किसान जो है सच्चे सुच्चे उनको अलग रखें, उसमें पॉलिटिक्स मत करें, राजनीति को मत घुसने दें। आप अपनी मांगे हैं सरकार तक रखें, हो सकता आज इन तो कल सरकार आपकी मांगे, पर ऐसे टकायत जैसे बहुरूपिये जिनका मकसद सिर्फ इलेक्शन लड़ना है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता लेना है, और जो कई पॉलिटिकल पार्टियों की टिकटों से जमानत जब्त करा चुके, वो भी एमएलए की, और आज पंजाब के किसानों ने, बोले वाले किसानों ने उसको दुनिया का किसान नेता बना दिया, और पंजाब के किसानों के लीडर राजेवाल साहब सच्चे सुच्चे इंसान, एक भी दाग नहीं उनके ऊपर, उनको बेचारों को साइड में कर दिया, वो बैठ गए अपना, ठीक है वो अपने आंदोलन कर रहे हैं, वो अपना बैठ गए, पर आंदोलन का लीडर एक ही था जिसका नाम था राजेवाल साहब, उसके बगैर कोई बात नहीं। वो राजेवाल साहब का मुकाबला टकैत नहीं कर सकता, क्योंकि राजेवाल साहब में पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें राजनीति है। सर क्या लगता है आपको, ये कोई रणनीति थी चुनाव में आने के लिए सीधे तौर पर, कि पहले किसानों को मोहरा बनाया जाए, तिरंगे के आड़ में किसानों को ले आया जाए, ट्रैक्टर रैली की जाए, आंदोलन किया जाए, बड़े बड़े भाषण दिया जाए, उसके बाद चुनाव में उतरा जाए? देखो ये पहले तो मैं नहीं समझता कुछ ऐसा होगा, मुझे जो लगता है क्योंकि इनके पिताजी थे बाबा टकैत, जो क्रांतिकारी थे, किसानों के वाकई बहुत बड़े एक आंदोलनकारी, पूरा देश उनके आगे सिर झुकाता था, हम भी झुकाते, जो किसान आंदोलन था वो ऐसा नहीं था, वो सच्चे दिल से आए थे सारे। ये जब तिरंगे झंडे का अपमान हुआ उससे कुछ 15-20 दिन पहले सब सच्चे दिल से आए थे, और राज्यपाल साहब ने कहा, जो किसान आंदोलन के लीडर थे, कि हमारे बीच में को गलत लोग गुट चुके, अलर्ट रहना, तैयार रहना, को हमारे इस आंदोलन को कोई कमजोर ना कर दे, उन्होंने कहा था, आप उनकी वीडियो निकालो, उन्होंने कहा था। अब बोले वाले किसान थे, उन्होंने कहा टकैत को बुला लो, टकैत साहब आ गए, टकैत साहब ने हमारे सिख समाज का पीला परना होता गुरु महाराज का वो बांध लिया, टकैत होगी, उन्होंने कहा लाठियां भी ले आओ, ट्रैक्टर भी ले आओ, और आके दिल्ली में हल्ला मचा दिया, कौम को हमारी को बदनाम कर दिया, और दिन कौन सा था, 26 जनवरी, और 26 जनवरी के दिन तिरंगे झंडे का अपमान पंजाब के भोले वाले लोगों से करवा दिया, और आप पता नहीं कहां छुपे रहे, केस उन पे दर्ज हुए, नुकसान कईयों का वहां पे हुआ, प्रॉपर्टी का, उनके ट्रैक्टरों का नुकसान हुआ, आप टकैत साहब क्या हुआ, उसके बाद टकैत साहब चुप करके पंजाब के उस आंदोलन भोले वाले किसाने के आंदोलन को छोड़ करके अपनी पब्लिसिटी के लिए वो गाजीपुर बैठ गए, ये था उसकी पॉलिसी। पंजाब के भोले वाले किसान आंदोलनकारी था, बुला लिया उनके बेटे को, बुला लिया, अब वो नेता बन गया, जो पंजाब के लीडर थे उनको साइड में कर दिया, जो मेरा सोचना है, जो मेरी सोचने का विचार है। बंगाल चुनाव में वो गए सपना लेकर, लेकिन वहां पे भी तो मुंह की खानी पड़ी। अब यूपी में चुनाव है सर, वो ही कहते हैं कि यूपी में पार्टी बनाएंगे, उतरेंगे हम और योगी का सुपड़ा साफ करेंगे, सुपड़ा देख पता नहीं कितनों का साफ करेंगे पंजाब के अंदर। अब बंगाल के अंदर अगर देखा जाए, बीजेपी की 3 सीटें थी, 3 सीटें से 8 सीटें हो गई, अब अच्छी सीट होनी 80 कोई छोटी सी बात नहीं है, एक तरह तो वो जीत ही गए, सरकार नहीं बनी, अलग है, 3 से 80 आना वो तो आ गए। अब ये टुकड़े ही साफ करते रहे टकैत जी, किस किस का टुकड़ा साफ करेंगे, आपको तो तिरंगा झंडा टुकड़ा साफ करेगा टकैत जी, जो आपने तिरंगे झंडे को रोड़ाया है। सर ओवैसी के साथ भी वो
आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं ओवैसी का, क्योंकि ओवैसी ने मंच पर चढ़कर ये कहा था कि अगली बार यूपी का मुख्यमंत्री एक मुस्लिम होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जब भी बात आती है धर्मांतरण की या जब भी बात आती है मॉब लिंचिंग की तो मुस्लिमों के साथ ही इस देश में अत्याचार होता है और इसका समर्थन टिकैत भाई साहब ने किया है। क्या कहिए सर? को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ओबीसी को आप ओबीसी कहते हैं, मैं उसको एबीसी कहता हूँ, है ना। जहाँ भी जाते हैं जमानत जब जो हो जाती है, एक भी सीट नहीं आती, नाम ओबीसी एबीसी है, सीट एक भी नहीं आते। कर लो भाई, कर लो उनसे समझौता। तो इसका मतलब जो टकैत साहब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर पॉलिटिक्स, उनके अंदर राजनीति, उनके अंदर सत्ता कुर्सी की दौड़ है। पंजाब के राज्यपाल साहब क्यों नहीं बात करते? पंजाब के किसान आंदोलन के सच्चे सिपाही राज्यपाल साहब जो हिंसा के खिलाफ थे, उन्होंने क्यों नहीं इलेक्शन की बात की? उन्होंने क्यों नहीं ऐसा बयान दिया? क्यों? क्योंकि वो सच्चे इंसान है, वो अपने भोले भले किसानों के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, आंदोलन का रास्ता गलत लोगों ने कर दिया, लाखों लोग थे उसमें, हजारों 2000-3000 गलत रास्ते पे चले गए, सारे आंदोलन के ऊपर दाग लगा दिया। राज्यपाल साहब और टकैत साहब कितना बड़ा अंतर है, ये पॉलिटिक्स की बात करता है। राज्यपाल साहब का एक भी स्टेटमेंट मैंने ऐसा नहीं सुना जो राजनीतिक हो। हाँ, उनकी उनके मंच पे राजनीतिक लोग बहुत आए होंगे, पर खुद उनके मुंह से ऐसा शब्द मैंने नहीं सुना। सर, ऐसा क्या किया जाए कि आगे इस तरह के टकैत जैसे लोग जो है वो किसानों का गलत फायदा ना उठा सके अपने सिर्फ राजनीतिक रोटियां चमकाने के? हमें खुद लोगों को जागना चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। किसान आंदोलन से अलावा और भी जो आंदोलनकारी हैं, ऐसे लोगों से दूर रहे। किसी का कोई आंदोलन है, किसी को भावना है कि मुल्क आजाद है, यहाँ हर बात रखने का आदमी को अधिकार है, देश हित के अंदर, देश के खिलाफ नहीं, देश के अंदर, देश हित के अंदर अगर है तो उसमें ऐसे लोगों से दूर होना चाहिए। ऐसे लोग जो भी उनके जिनके चेहरे पहचाने गए उनको उस मंच के बिल्कुल फटकने नहीं देना चाहिए। अब मैं भी एक एंटी टेररिस्ट फ्रंट चलाता हूँ, मैंने हजारों फंक्शन किए पर मैं कभी भी किसी पॉलिटिशियन को, किसी मिनिस्टर को अपने मंच पे नहीं बिठाता। ठीक है, जितना कर सकते हैं हम कर लेते हैं। हमको ऐसे लोग ढूंढते हैं जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, वो ऐसे ढूंढते हैं जिनके ऊपर कोई दाग ना हो। हमें ऐसा सोचना चाहिए, जहां पॉलिटिकल पार्टियों के झंडे लहराने शुरू हो जाएं फिर आंदोलन आंदोलन ही रहते। आंदोलन का है तो आंदोलन का ही झंडा होना चाहिए, दूसरा झंडा समझ लो कि उसमें राजनीतिक लोग घुस गए और राजनीतिक लोग जहां घुसे नहीं आंदोलन नुकसान हुआ है। ये मेरा जवाब। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लिए चलती हूँ। टिकैत भाई साहब, जिस तरीके से मैंने पहले भी सवाल किया सिखों के, टिकैत जी जो हैं वो बहुत सिखों के बारे में बात करते हैं। कुछ दिन पहले उनका बयान भी आया था, बंगाल चुनाव के बाद भी उनका बयान आया, नहीं नहीं हम उनके लिए खड़े हैं, हम उनके लिए खड़े हैं। लेकिन जब बात आती है सच में उनके लिए खड़े होने की, जब बात आती है उनके हक हक में बात करने की, जब बात आती है कि जब धर्मांतरण का मामला आता है तो वो चुप हो जाते हैं। वो ये कहते नहीं होना चाहिए, हिंदू को अपने धर्म से खतरा है तभी उसको पुलिस का कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या कहेंगे सर? देखो, मैं आगे भी आपको कह चुका हूं, आप भी कहते हैं, सिख समाज जो हमारे गुरु साहिबान ने बनाया था, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक, एक मकसद था मानवता की रक्षा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उनके साहबजादे, एक ही था मानवता की रक्षा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मानवता। जो आदमी बेचारा है, जो आदमी को कोई देखने वाला नहीं, उसके लिए सिख समाज खड़ा है। हमें टकैत की जरूरत नहीं, और टकैत को कहेंगे हमारे बारे में बोलने की जरूरत, हमारे पे एहसान करने की जरूरत नहीं। हम अपने सिर पे लड़ना जानते हैं, हमें पीड़ा है, हमें दुख है कि हमारे अंदर ही लोग हैं जो हमारी कौम पे दाग लगा रहे, जैसे लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान करके हमारी कौम पे दाग लगाए। हमारे में इतनी शक्ति, इतनी ताकत हमारे गुरु साहिबान की है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम देश की रक्षा भी करना भी जानते हैं हरतेज सिंह की तरह, और तिरंगे झंडे की आन शान के लिए मर मिटना भी जानते हैं। हमें टकैत जी आपकी जरूरत नहीं है, आप ऐसे राजनीतिक भाषण यूपी में देते रहो, यहाँ से आपने चुनाव लड़ना है और उसके बाद आपकी जमानत जब्त होनी है। हमारे साथ बिट्टा जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की, देखना काफी अहम होगा कि जिस तरीके से राकेश टिकैत यूपी चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं, आगे 2022 में यूपी का चुनाव, ऐसे में क्या कुछ राजनीति जो है वो गर्म होती। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज हिंदी, जय हिंद।